नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ चेकअप। आप बहुत लोगों ने ये सवाल हमसे पूछा और हमने भी सोचा कि भाई ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि ये बहुत कॉमन हो गया है कि लोग डॉक्टर के पास कम सीधा मेडिकल लैब जाते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, हेल्थ टेस्ट कराते हैं और बोलते हैं भाई मैंने ये टेस्ट करा लिए है। और ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं बिना ये जाने समझे कि उनको कौन से टेस्ट की ज़रूरत थी, कौन से टेस्ट की नहीं थी। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग हमेशा ही सेफ है, पहली बात तो ये ना ही। और क्या ये अच्छा आइडिया है कि पहले डॉक्टर के पास ना जाके डायरेक्ट टेस्ट कराएं? तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं। इस पर अलग से एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि डायरेक्टली टेस्ट नहीं करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। बट मोटी मोटी बात है, क्योंकि हर टेस्ट का एक साइड इफेक्ट होता है। अगर आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो सुई से इन्फेक्शन हो सकता है आपको, वहाँ पर इन्फेक्शन के साथ साथ दर्द हो सकता है, नस में लग सकती है, तो बार बार सुई घुसाना अननेसेसरीली इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन कमिंग ऑन टू एक्सरेज, MRI, CT स्कैंस, ऐसे टेस्टों में रेडिएशन का साइड इफेक्ट होता है। दूसरे प्रकार के टेस्ट जो होते हैं उसमें भी कई बार साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, बट देन कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, आप ये भी कराओ, ये भी कराओ, वो भी कराओ, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है कि आपको बार बार ब्लड देना पड़ता है, बार बार टेस्ट कराने पड़ते हैं, नॉट गुड। सो इसीलिए ये एक सेशन हमने रखा है जिसमें कि आप बताएंगे आपके क्या सिम्टम है और हम आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे उस सिम्टम से आप नंबर वन सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिम्टम कौन से सिस्टम का है, और उस सिस्टम के लिए उसमें अगर आपको डायग्नोस करना है तो आप उसमें क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं अननेसेसरी टेस्ट छोड़ के। ये बात याद रखिए, जो एक जनरल हेल्थ चेकअप होता है, जनरल टोटल बॉडी हेल्थ चेकअप जो शरीर में किया जाता है, उसका उद्देश्य अलग होता है। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है बीमारियों को ढूंढने के लिए, जो बीमारियां होने से पहले, सिम्टम आने से पहले, यानी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, हट्टे कट्टे चंगे पले बढ़िया बंदे हो, लेकिन फिर भी आपके टेस्ट किए जाते हैं, वो टेस्ट अलग होता है। वो होता है कि कोई खतरनाक बीमारी होने से पहले हम आपको पकड़े, आपकी उस खतरनाक बीमारी को होने से पकड़े, जैसे कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर होने से पहले पकड़ लीजिए, मेल्स में कोलोरेक्टल कैंसर होने से, डायबिटीज होने से पहले, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने से पहले पकड़ें, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल होने से पकड़ें, आपको हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होने से पहले पकड़े, अगर आप मोटे हो रहे हैं, वजन, सिर्फ वजन चेक करना भी अपने आप में स्क्रीनिंग टेस्ट है कि मोटे हो रहे हैं तो मोटापा होने से पहले, एक पर्टिकुलर ओवरवेट होने से पहले पकड़े, और बहुत कॉमन है मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर से पहले पकड़ें, छोटे बच्चों में ग्रोथ मॉनिटर करें और ग्रोथ रिटार्डेशन को उम्र से पहले पकड़ें, हाइट कम रह रही है, हॉर्मोन्स कम है तो उम्र से पहले पकड़ें। ये सब उद्देश्य होता है रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग का। और ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, ये डिपेंड ना सिर्फ आपकी उम्र पे, आप अलग अलग उम्र पे अलग अलग हेल्थ चेकअप होते हैं, ना सिर्फ आपकी उम्र पे बल्कि आपके सेक्स पे, आपकी फैमिली हिस्ट्री पे, आपके रिस्क फैक्टर पे, आपकी प्रेजेंट बीमारियों पे डिपेंड करता है, बल्कि आप कहाँ रहते हो उस पे भी डिपेंड करता है, इंडिया में बाहर। सो इसीलिए कोई भी हेल्थ चेकअप या हेल्थ टेस्ट स्क्रीनिंग कराने से पहले इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू विजिट अ डॉक्टर। डॉक्टर आपका इन हेल्थ स्क्रीनिंग में, देखिए हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब नहीं सिर्फ ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या इमेजिंग, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट और प्राइमरी चीज़ है जिससे पता चलता है आपको क्या बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन के बगैर हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ टेस्ट कराना अच्छी बात नहीं है, राइट। सो ये हुई बात इसकी। अब हम आपके सवाल लेते हैं और बात करते जाते हैं कौन से किसके लिए टेस्ट करने हैं, राइट। लेट्स सी मलिक तैयब, पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले 10 रैंडम सवाल, उसके बाद सीधा सवाल जवाब, ओनली ऑन दिस हेल्थ स्क्रीनिंग। आप पूछिए कौन सा प्रॉब्लम है, हम बताएंगे कौन सा टेस्ट करना है क्यों। मलिक तैयब, हेलो सर, मुझे एक मंथ से ऑलमोस्ट हर वक्त थोड़ी थोड़ी सर में दर्द, कभी एक साइड, दूसरे, कभी पूरे सर में दर्द होती है। CBC, यूरिन, स्टूल्स, RBS नॉर्मल है, सर भारी हो जाता है, कमजोरी, स्ट्रेच एंड आई, सर्दी लगती है। अब देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल आया, अब इनको सर दर्द होता है,
आंखें भारी रहती है, सर भारी रहता है, कमजोरी आती है और सर्दी लगती है। इन्होंने कराया यूरिन स्टूल। यूरिन स्टूल का इसमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, यहाँ पे पेशाब के जलन या पेशाब में बात ही नहीं आ रही। यूरिन का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी, स्टूल का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा करा लिया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ बात हो रही है रिकमेंडेशन की। RBS रैंडम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना, ये जो सिम्टम है हाई ब्लड शुगर के, डायबिटीज़ के सिम्टम नहीं है। दूसरी चीज़ CBC एक टेस्ट है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें देखा जाता है कोई ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, शरीर में इन्फेक्शन तो नहीं है, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। सो CBC एक टेस्ट है जो एक बुखार आने पे करा जा सकता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर ये हेडेक से ग्रसित है उनको सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए थी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। एक न्यूरोलॉजिस्ट देख के बता देता है कि हेडेक डेंजरस है, खतरनाक है, डरने वाली बात है या नहीं। माइग्रेन वाले वीडियो में हमने समझाया था क्यों कैसे काइको, उसमें हमने समझाया था कि अगर हेडेक किसी खतरनाक चीज़ की वजह से हो रहा है तो ब्रेन में ब्लीडिंग या ब्रेन में स्ट्रोक या ब्रेन में ज़्यादा कोई इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसी सिम्टम्स अगर हैं कोई भी, तो और भी बॉडी में कोई ना कोई साइन सिम्टम कोई ऐसा आएगा अंदेशा जो फिजिकल एग्जामिनेशन में एक न्यूरोलॉजिस्ट पकड़ लेते हैं, बॉडी के रिफ्लेक्सेस देखते हैं बॉडी के अंदर। तो एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा रोल है आपके लिए मलिक जी, बिफोर एनीथिंग एल्स यू शुड गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट। और फिर उनके कहने पे ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है MRI ब्रेन का या EEG। जब हेडेक बहुत होता है तो ये टेस्ट ज़्यादा कराए जाते हैं, और जो दूसरे टेस्ट की ज़रूरत है आपको देख के, आपकी डाइट को देख के, आपके हेल्थ को देख के फिर डिसाइड किया जाता है कि आपको कोई विटामिन डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, पूरी टंग सूखी हुई, क्या कारण और हो सकता है, फिर देखा जाता है कि टेस्ट MRI की ज़रूरत है या फिर तो क्लियर कट डिहाइड्रेशन है, इसको तो कुछ नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? और आपने अपने मर्जी से टेस्ट करा लिया, या फिर आप दूसरे किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो जिसको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है भैया, हेड है तो न्यूरोलॉजी, उसमें क्या सोचना है, हेड है, CNS है, न्यूरोलॉजी है तो न्यूरोलॉजिस्ट। हेलो मिस्टर डॉक्टर ब्रिजेश, डॉक्टर ब्रिजेश हमारे साथ हैं, बढ़िया, वेरी गुड। मिस्टर परफेक्ट, सर मैंने एक्ने की कुछ पील्स एंड ट्यूब चेकअप कराया, ट्यूब चेकअप करा के बट आफ्टर 3 मंथ्स एक्ने थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लगी है। अब ये ट्यूब चेकअप क्या है मुझे भी नहीं पता, पील्स कराया, पील्स का मतलब ये नहीं होता कि एक्ने जिंदगी में नहीं आएगा। अगर आपने हमारे एक्ने का वीडियो देखा है तो आपको समझेगा कि एक्ने कैसे आता है, और आपको एक हेल्थ रूटीन फॉलो करनी पड़ती है एक्ने को घर से भगाने के लिए। जिस तरह से एक बार बाल धोने से डैंड्रफ धुल जाते हैं लेकिन वापस आ सकते हैं, उसी तरह से ये भी वापस आ सकते हैं, तो आपको एक्ने की रूटीन देखनी होगी। नीचे नॉर्मल ECG क्या होता है, तवांग जी, ECG मेड इजी बाय डॉक्टर एजुकेशन YouTube पे टाइप करिए, मेरी 4 वीडियोज़ हैं उसमें ECG मेड ED, उसमें मैंने अपनी फोटो नहीं लगाई तो कई लोग नहीं पहचान पाते कि ये मेरा वीडियो है या नहीं, लेकिन कम से कम डॉक्टर एजुकेशन नीचे पड़ा हुआ तो लिखा हुआ तो देख लो, उसमें जाके मेरा वीडियो देखिए। हाई सर, आई एम गुड, थैंक यू, कल थोड़ा थक गए थे, आज बेटर हैं, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, स्टेटस अनलिमिटेड। राइट, प्रार्वती बेहरा, सर ED में बहुत दर्द, EDI में बहुत दर्द, EDI, ये मुझे नहीं समझा EDI क्या है, EDI में बहुत दर्द, कैन अरिदमियाज शो इन इको, यस अरिदमियाज कैन शो इन इको, अरिदमियाज मतलब रिदम प्रॉब्लम, योर हार्ट एज अ रिदम 2-3, दिस इज द नॉर्मल रिदम, ठीक है, अरिदमियाज इन, ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा, है कि नहीं दिखेगा वो, क्योंकि इको वाला वीडियो देखो, इको बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब टाइप करके देखो, ये नाम मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, योग्री, आई एम 49, हैड सर्जरी फॉर बोथ किडनीज 33 ईयर्स अगो फॉर हाइड्रो नेफ्रोसिस, ओके, इट वाज ओपन सर्जरी, हाउ नाउ स्कैन शोज अगेन हाइड्रो नेफ्रोटिक किडनी, कैन इट बी ऑपरेटेड अगेन विदाउट ओपन सर्जरी प्लीज। नाउ सी, नंबर वन थिंग, अगर इस क्वेश्चन को हम समझे, सो इनकी एक 33 साल की उम्र है और इनका हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है किडनी में सूजन आ गई। किडनी में सूजन ज़्यादातर तब आती है जब आउटफ्लो, बाहर जाने वाला पेशाब की नली ब्लॉक है, चाहे पथरी से हो, चाहे बाहर से कोई चीज़ उसको दबा रही हो, कोई ट्यूमर हो, कोई कुछ दबा रहा हो, चाहे उसके अंदर इन्फेक्शन हो के एक धागा स्ट्रक्चर बन गया हो, चाहे कुछ हो। सो इनके केस में अगर किडनी में बैक प्रेशर हो रहा है तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस बार बार होगा। पहली बात आती है, पिछली बार कौन सा ऑपरेशन हुआ था, ओपन क्यों किया गया था, क्या उसमें पथरी बहुत बड़ी बड़ी थी, क्या उसमें इन्फेक्शन था, क्या पस बना था, क्या कुछ दबा रहा था, वी हैव नो आइडिया, सो वी कैनॉट से। सो इनके लिए बेस्ट डॉक्टर हैं
नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट चेक करके बताएंगे कि आपको किस प्रकार के ऑपरेशन, या कई बार सिर्फ, और या यूरोलॉजिस्ट कह लीजिए, यूरोलॉजिस्ट पे जा सकते हैं, यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, नीचे से ट्यूब डाल के सिस्टोस्कोपी करके अंदर तक देख सकते हैं कि रास्ते में कहीं स्कार, स्ट्रिक्चर, कोई पत्थर कुछ है तो नहीं, वहीं से निकाल दें ऑपरेशन के बगैर, ओपन ऑपरेशन के बगैर ही डायरेक्ट हो जाए। तो आप जाके मिलिए यूरोलॉजिस्ट से, उसको अपने सारे पेपर दिखाइए, वो आपको गाइड करेंगे। ऑलराइट, ए बी, शंकन आइज क्योर विदाउट सर्जरी। इसके लिए, शंकन आइज के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा फिजिशियन के पास, क्योंकि शंकन आइज का मतलब पहला चीज होता है कमजोरी। कमजोरी का मतलब है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, बच्चों में, बड़ों में प्रोटीन की कमी है, एनर्जी की कमी है, शरीर में पानी नहीं है, आपको न्यूट्रिशन ही सही नहीं है। आपका शरीर देख के बताए खाना क्यों नहीं खाते हो, सेम चीज फर्स्ट थिंग। सो फर्स्ट फिजिशियन के पास जाओ, वो ओवरऑल देखेगा कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। इट इज नॉट सपोज टू बी सीन बाय डायरेक्ट आंख वाले डॉक्टर के पास जाके। ऑलराइट, तो शंकन आइज क्योर तो बाद में बात है, क्योर तब होगा जब उसका पहले कारण पकड़ोगे। हेलो मिस इंडियन, मिस्टर इंडियन, हेलो मैनेज, होटल मैनेजमेंट सर, अल्कोहल कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और उसके साथ चखना में क्या क्या खाना चाहिए? ओहो, मैं खाने पीने का वो मेन्यू भी बना के दे देता हूँ आपको। है ये कौन सा सवाल हुआ कि क्या लेना, कितना लेना चाहिए? 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए कॉन्ग्रेट्स, थैंक्स। हो गया क्या 1 मिलियन? मैंने देखा भी नहीं हो गया क्या सॉरी बाकी थैंक्स, कर दो यार 1 मिलियन, अब इतना थोड़ा सा बचा अगर नहीं हुआ तो। अमोल जंग, इसका मैं कैसे भाई, क्या है यार, अल्कोहल क्वांटिटी वाला, सेफ लिमिट वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो जाके देखिए, उसमें सब बताया गया है। चखना कौन सा खाना है, नई टेक्नोलॉजी, खाना अल्कोहल लेने से पहले खाना है, पानी भी पीना है पहले, एक पैग के बाद फिर पानी पीना है, फिर कुछ खाना है, फिर उसके बाद पानी पैग लेके फिर पानी पीना है, एक होता है दो से ज़्यादा पैग नहीं लेना है, कौन सा पैग कितना बड़ा है वो जाके मेरे वीडियो में देखो, और पेट भर के खाना खाना है, खाना खाली पेट अल्कोहल नहीं लेना है। ओके अमोल जंग, हाँ, बॉडी में हार्ट की चीज से अटैच होता है और क्या कार्डियक अरेस्ट के टाइम हार्ट में इंजेक्शन दिया जा सकता है? नहीं, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था कि जो एड्रिनलिन यहाँ नसों में देते थे वो एड्रिनलिन डायरेक्ट हार्ट में दे देते थे, और पिक्चरों में भी आप देख लोगे ठक से मारते हैं। दोज आर टोटली ओल्ड कॉन्सेप्ट, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है अभी, वो यहाँ से दो या वहाँ से दो, बात एक ही हो जाती है। सो नहीं, वो नहीं दिया जाता। और हार्ट किस चीज़ से अटैच होता है, हार्ट एक पाउच में होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, वो हार्ट पेरिकार्डियम और उसके पास पास फेफड़ों के बीच में, दोनों तरफ से हार्ट के बीच, हार्ट के इस तरफ और इस तरफ फेफड़े हैं आपके, लंग्स हैं। सो हार्ट पेरिकार्डियम और मीडियास्टिनम में होता है, मीडियास्टिनम आपके जो रिब केज के अंदर है, रिब केज के अंदर जो आपके लंग्स है, लंग्स के अंदर जो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट होता है। हाउ इज योर हेल्थ टुडे? आई एम फीलिंग गुड, थैंक यू। Do not turn on. Galaxy, pain in legs after masturbation. You have simple pain, simple कमजोरी। कई लोगों को दो कदम चलने से पेन होता है। अब वही बात होगी कि सर मैं चलता हूं तो पेन होता है, इसलिए दुनिया के किसी को चलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? मैस्टर्बेशन करने से कायदे से पेन नहीं होना चाहिए। सो आपको मैस्टर्बेशन यानी किसी भी एक्टिविटी से पेन हो रहा है तो आप कृपया न्यूरोलॉजिस्ट या सिंपल फिजिशियन को दिखाएं, फिजिशियन आपका डायग्नोस करेंगे कि आपके शरीर में कौन सी कमजोरी है ब्लड टेस्ट करने से पहले। टेकिंग और ब्लड न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा यू कैन एक्चुअली डू टेस्ट लाइक विटामिन डी, B12 डेफिशिएंसी, किडनी फंक्शन एंड CBC, राइट? फिर भी एक बार टेस्ट कर दिखाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, एक साथ पता चल जाएगा कौन सा टेस्ट करना है। मॉम 52 ईयर ओल्ड, टेकिंग मेडिसिन फॉर हाई BP, टोटल कोलेस्ट्रॉल 260, LDL 173, रेस्ट ऑल टेस्ट आर नॉर्मल एक्सेप्ट B12, टेकिंग कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन की ज़रूरत है फॉर 1 मंथ। सब कुछ तो बता दिया आपने, यू आर गुड, आपने सही कहा, एक हाथ महीने के लिए कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले सकते हैं। वन LDL 173 है, उसको कम से कम 130-150 के नीचे लाना है। अगर वो 53 हैं, 52 हैं तो इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएंगी, तो एक हाथ महीने के लिए मेडिसिन दे देना सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लंबे समय के लिए मेडिसिन ना लेनी पड़े इसलिए एक्सरसाइज शुरू करिए, डाइट एक्सरसाइज और कोलेस्ट्रॉल वाली हमारी वीडियो देखिए, विटामिन B12 का सप्लीमेंट शुरू करिए, या फिर दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, चिकन, मटन, अंडा, फिश, इनमें से कुछ ना कुछ रोज़ खाइए, रोज़। सर बच्चा 2 साल से ऊपर की उम्र का हो चुका है, पहले हल्का माँ माँ बोलता था, अब वह नहीं बोलता, क्या करें, कब तक बोलना शुरू कर देगा? अगेन नाउ इसके लिए आपको एक पीडियाट्रिशियन को दिखाना होगा, पहले वो पीडियाट्रिशियन देखेगा कि क्या
इसके प्रॉब्लम कुछ, या ENT स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हो आप कि इसको गले में कोई प्रॉब्लम है, पीडियाट्रिशियन देखेगा कि फिजिकली उसका डेवलपमेंट सही है, ओवरऑल डेवलपमेंट सही नहीं है, आवाज़ ही सही नहीं बन रही, या शरीर के और पार्ट्स हैं जो सही नहीं बन रहे, ग्रोथ वेट और हाइट मॉनिटरिंग की, वेट और हाइट सही से उसकी जितनी उम्र है उसके हिसाब से होनी चाहिए थी उतनी है कि नहीं है। फिर ENT वाला डॉक्टर अंदर एक शीशा होता है मिरर, बाहर से ऐसे देखते हैं अंदर कि भाई अंदर सब स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, आवाज़ क्यों नहीं निकल पा रही, फिर डायग्नोस होगा कि क्यों नहीं हो रहा। वहाँ तक जहाँ तक बात है सिर्फ स्पीच थेरेपी की, वो बड़ों को दी जाती है, बच्चों के लिए भी स्पीच थेरेपी होती है, वो डिपेंड करता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा तो फिर आपको ENT या पीडियाट्रिशियन बताएंगे आगे क्या करना है। मसल स्पाजम मेरे को भी बहुत होते हैं यार। एनीवेज, हाँ सर, 25 25 ईयर ओल्ड, माई राइट टेस्टिस इज सोलन बट इट डिडंट पेन एंड इट्स डिफिकल्ट टू वर्क। वॉट इज द मेन कॉज ऑफ सोलन एंड इज इट हाइड्रोसील डिजीज एंड हाउ टू क्योर विथ हेल्प? हाइड्रोसील इज नॉट टेस्टिकुलर स्वेलिंग, इट्स स्वेलिंग वाटर अराउंड द टेस्टिकल, बाहर टेस्टिस से बाहर स्क्रोटम भर जाएगा। तो आपके लिए बेस्ट टेस्ट होगा अल्ट्रासाउंड, सेफ है, आप खुद करा सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेस्टिस का स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड कराओ, और आपके लिए जो बेस्ट डॉक्टर होंगे वो है यूरोलॉजिस्ट, उनको दिखाइए। हाउ टू नो UTI? UTI के लिए आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करा सकते हैं। ये टेस्ट है जो आप सेफली करा सकते हो, इसमें आपके शरीर में कुछ जाना नहीं है, आपका सिर्फ 50 रुपये लगना है। तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराओ, 50 रुपये से शुरू होता है, मतलब मेरे हिसाब से तो उतना ही आना चाहिए, और मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, थोड़ा यूरिन निकल जाने दो, फिर बोतल फिर उसमें डालो, फिर उसको बंद करके रख दो। दैट इज़ वेयर यू गो डू इट ऑन यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। एंड अगर पक्का पता है जलन है तो फिर कल्चर कल्चर करिए, कल्चर कल्चर यूरिन रूटीन एंड कल्चर दोनों, एंड CBC करा सकते हो साथ में। अगर वो एक बार पहले यूरिन करा लो फिर देखना, फिर डॉक्टर को दिखा लेना। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से किडनी वाला क्रिएटिन इंक्रीज तो नहीं होगा? होगा, आई वॉच योर वीडियो पर इतना नहीं, पर पता नहीं लगा, तो फिर से देखो, इतना अच्छे से समझाया यार, जो टेस्ट में इंक्रीज होता है वो नुकसान देता है। जी आई ड्रिंक सो माई पुशला पुशला आधा आधा। जब आप क्रिएटिनिन ज़्यादा लेने लगते हो तो टोटल बॉडी का क्रिएटिनिन स्टोर बढ़ जाता है, जितना बॉडी में क्रिएटिनिन स्टोर है उसका 1% एक्सक्रीट होता है। जब टोटल बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा, अगर आपका नॉर्मल रेंज में 1 से नीचे रहता है तो 0.2 0.3 से बढ़ सकता है, उसमें मोटा मोटा कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको पहले से कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, या आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी नहीं है, फीवर इन्फेक्शन हार्ट प्रॉब्लम ब्लड ऐसी कोई दिक्कत, और आपको पानी खूब पीना है बस, और कुछ नहीं। हाई ब्लड प्रेशर के सीरियस मैटर पर वीडियो बनाइए, सीरियस मैटर पर वीडियो, हाई ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए। मेरी 45 वीडियो हैं हाई ब्लड प्रेशर, 45। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा आपका जिसका आपको जवाब नहीं मिलेगा अगर आप ढूंढोगे। भैया शिद्दत से एक बार ढूंढो तो सही है। ओके पंकज शिंदे, गॉल ब्लैडर हो तो घी खा सकते हैं क्या? अगर खा सकते हैं तो कौन से टाइप का घी खा सकते हैं? एग्जांपल के मिल्क से बना हुआ घी, मैदे से गॉल स्टोन का साइज इंक्रीज हो सकता है क्या? देखिए जनाब, गॉल स्टोन बनता है कोलेस्ट्रॉल से या बाइल सॉल्ट से। कोलेस्ट्रॉल घी में होता है, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ ना खाएंगे या कम खाएंगे तो बेहतर है। वन, मैदे में भी जो पकाया जाता है ज़्यादातर मैदे को, उसको घी बटर मक्खन में जो भी है, सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। मैदा इज अगेन अ हाई कैलोरी फूड, लो दिस थिंग सॉरी क्या, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, मोटापा बढ़ाएगा, सो इट्स नॉट द गुड थिंग फॉर योर गॉल स्टोन्स। तो गॉल स्टोन्स से बढ़ेगा क्या, कह नहीं सकते, टोटल कैलोरीज पर डिपेंड करेगा। ओके, ये बात हो गई, अभी हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, मैंने इतने सारे सवालों के जवाब दे दिया। ऑल राइट, मुझे आप पूछिए सवाल। पेन इन स्टमक है, पेन इन स्टमक एंड फीलिंग कोल्ड, व्हाट टू डू? आयुष सिंह, पेन इन स्टमक एंड फीलिंग कोल्ड, इट कैन बी ऑनसेट ऑफ फीवर। आप पहले कायदे से आपको एक फिजिशियन को दिखाना है, वो स्टमक का एग्जामिनेशन करेंगे, पेट में टेंडरनेस तो नहीं है, इन दैट केस अल्ट्रासाउंड CBC LFT KFT और मलेरिया के लिए टाइफाइड के लिए भी टेस्ट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्जामिनेशन। पहले जाओ जो भी है एग्जामिनेशन कराओ डॉक्टर के पास, उसके बाद IBS इज क्योर्ड बाय एलोपैथी,
सर आईबीएस इज क्योर्ड बाय एलोपैथी, आई एम सफरिंग 5 ईयर टू एलोपैथी विदाउट वर्क। आईबीएस वाला वीडियो देखो, आपको समझेगा उसका क्योर कैसे होता है। राइट, फील डिस्पनिया। डिस्पनिया मतलब सांस में दिक्कत। सांस में दिक्कत आपको हार्ट के वजह से, लंग्स के वजह से, खून की कमी के वजह से, शरीर में इन्फेक्शन फैल जाने के वजह से हो सकती है, या फिर इवन नाक बंद होने के वजह से हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के टेस्ट होंगे कायदे से। तो आपको पहले एक फिजिशियन को या एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, जिससे आपका डायग्नोसिस शुरू होगा। फिर वो टेस्ट लिखेंगे आपको, ईसीजी, इको, चेस्ट एक्सरे, सीबीसी, जो भी उसके हिसाब से लगेगा। इतना तो मिनिमम करना ही पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम खत्म हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जाके हमारा वीडियो देखिए। सर आई एम हैविंग हेडेक, हेडेक के लिए लाइट फीवर सिंस 4 मंथ, आई हैड जॉन्डिस, बिलरुबिन 2, यूरिन बर्न 2। नाउ दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। जॉन्डिस भी है, बिलरुबिन 2 है, यूरिन बर्निंग है, फीवर है। यूरिन बर्निंग और फीवर सेज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जॉन्डिस एंड बिलरुबिन होना मीन्स कि लिवर पे प्रॉब्लम। इट्स पॉसिबल 2-4 महीने से इतनी इन्फेक्शन आपके लिवर या ब्लड में फैला है, साथ में हेडेक है, दैट इज़ नॉट गुड साइन। इमीजिएटली आप फिजिशियन को दिखाओ और टेस्ट करवाओ। आपको अच्छी बात नहीं है ये सब चीज़ें लेके घूमना। ऑल राइट देन, माई मदर सफरिंग फ्रॉम बॉडी पेन, एज 50, मसल पेन है। हो सकता है दोपहर में सो के उठते हैं, जस्ट बैड होता है, वॉट टू डू? सी, मसल पेन है या हड्डी का पेन है वो समझना होगा। इस उम्र में आर्थराइटिस होता है, बोन पेन्स होते हैं बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए टेस्ट कराएं, बोन मिनरल डेंसिटी या बोन स्कैन करा के देख सकते हैं। विटामिन डी, विटामिन B12 लेवल्स कराइए, उससे पता चलेगा कि आपके स्कैन्स में क्या, आपके बॉडी में कितना कैल्शियम विटामिन है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और साथ में डाइट असेस कराइए कि सही मात्रा में प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आई एम हैविंग हेड एक लाइक, ये हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा, स्किन में बहुत एक्ने है, डर्मेटोलॉजिस्ट दिखाया फिर भी एक्ने ठीक नहीं हुआ। मेरे 4 साल से एक्ने थोड़ा थोड़ा स्कार, कैसे ठीक होगा क्या? फेस में एंड स्किन हर वक्त ऑयल रहता है। सर में तेल लगाना बंद करिए, सर में रोज नहाइए और स्किन केयर रूटीन चेंज करिए। आपको तभी फायदा होगा जब डॉक्टर नहीं रूटीन बदलोगे, डॉक्टर नहीं नॉलेज बदलोगे। इसलिए नीचे जाओ, एक्नी का वीडियो देखो हमारे, एक्नी बाय डॉक्टर एजुकेशन। नीचे मेरा वीडियो ऑन हाई ब्लड प्रेशर। मोहित जी इतनी बार क्यों लिख रहे हो? ऑल राइट, अब्दुल रजाक फ्रॉम पाकिस्तान, अब्दुल रजाक द बॉलर। ठीक, वेलकम वेलकम। सर मेरे पैरों में सूजन है, मैं बहुत महीनों से है, क्या वजह हो सकती है? बहुत वजह हो सकती है भैया, पैरों में इंफेक्शन हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और बहुत ही कुछ हो सकता है। आप कृपया करके एक बारी, इवन जो पैर की खून की नस आने वाली है, ज़्यादा कॉमन होता है वेरिकोस वेन्स, वो हो सकता है, वीनस इनसफिशेंसी हो सकती है। आप पैर का कराइए अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड पैर का कराइए, महंगा होता है मुझे पता है, लेकिन अगर वो नहीं कराना है तो एक बारी फिजिशियन को दिखा दो। फिजिशियन फिजिशियन वो बताएंगे कि क्या लग रहा है, और ओवरऑल चीज़ें देख के, एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है बबुआ, समझे? सागर, सर मेरे हाइट नहीं बढ़ रही है, क्या करूं प्लीज रिप्लाई। सर हाइट नहीं बढ़ रही है, पहले हाइट और वेट का पैरामीटर देखो, आपकी उम्र के हिसाब से उसमें कहाँ आते हो, बहुत ही कम आते हो। तो जाके मिलिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, आपके देखेंगे वो क्या होता है, हाइट वेट हार्मोनल इम्बैलेंस। किडनी डिजीज का सिम्टम क्या है? कोई सिम्टम नहीं होता है किडनी डिजीज में। किडनी जब तक 80-90% तक खराब नहीं होती, आपको कतई पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। इसलिए किडनी के लिए, किडनी वाला वीडियो देखो, हाउ टू प्रोटेक्ट योर किडनी, वो वाला वीडियो देखो, हाउ टू प्रोटेक्ट योर किडनी बाय डॉक्टर एजुकेशन। हेलो सर, टेस्टी टेनिस एल्बो हो गया है, डॉक्टर सजेस्ट नॉट टू लिफ्ट वेट, लिस्ट वेट, लिस्ट वेट। आई विल गिव प्रॉब्लम इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ माई डोंट गिव, प्लीज सजेस्ट वे आउट। वे आउट डिपेंड करेगा फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और टेनिस एल्बो के ब्रेस आता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट से लगवा लें और एक्सरसाइज धीरे 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 उनकी निगरानी में शुरू करें। एक वक्त आएगा आप पूरी एक्सरसाइज कर पाओगे, हिम्मते मर्दा मदते खुदा। सॉरी, आएगा आएगा आएगा, आपका टाइम आएगा, पहले उसको रिलैक्स दो। फिजियोथेरेपिस्ट, ओके, यू नीड फिजियोथेरेपिस्ट। सुदीश यादव, सर मुझे अल्टरनेटिव कोलाइटिस है, सर मैं क्या करूं बताएं? अल्सरेटिव कोलाइटिस बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करें और मेरा वीडियो देखें और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करें।
कमजोर बोन ठीक हो सकती है भैया, बोन में कमजोरी एक ही चीज की होती है, कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम 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 खा लो, कौन खाएगा कैल्शियम? लोग बोलते चूना खाओ, भाई चूना खाओ, चाहे दूध पियो, दही पनीर लस्सी छाछ, कच्छू तो खाओ, कच्छू तो खाओ। चलो एनीवेज, कैल्शियम जरूरी है सर, और कैल्शियम के साथ विटामिन डी। सर मेरे पेट में, अच्छा चूना क्यों नहीं खाते? चूना में मिलावट होती है, वो चौक जो आता है बोर्ड में लगा हुआ वो क्यों नहीं खाते? उसमें मिलावट होती है, तो हम इसलिए वो नहीं बोलते कि भाई वो भी कैल्शियम है। कैल्शियम क्या है पता नहीं, पोटेशियम काश क्या है पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा नंबर। कैल्शियम का कोई सॉल्ट है, वो भी खाने को खा सकते हो, लेकिन उससे भी कैल्शियम मिलेगा, लेकिन उसमें मेटल्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, पॉइजनिंग हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो नहीं खाते। तभी कैल्शियम की टैबलेट बहुत सस्ती मिलनी चाहिए, जेनरिक जगह से लो, बढ़िया खाओ। समर में पेट दर्द है और ये लूज मोशन है, डिहाइड्रेशन नंबर वन, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कुछ बताए सर क्या करूं? बहुत कॉमन है, समर में पेट खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ गर्मी, हीट इंटॉलरेंस। मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, हीट इंटॉलरेंस, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस, हीट, ये हीट एग्जॉशन का भी साइन हो सकता है। रेस्ट चाहिए, खूब पानी चाहिए, डिहाइड्रेशन एक्यूट, एक्यूट डिहाइड्रेशन का मेरा वीडियो है, एक्यूट डिहाइड्रेशन बाय डॉक्टर एजुकेशन, देखिए उसको फॉलो करिए, डोंट वरी ठीक हो जाएगा। नया सवाल, पेनिस पे पानी की तेज धार गिराने पर स्टेमिना ज्यादा आता है, साइड इफेक्ट बताएं सर। साइड इफेक्ट एक समय आएगा, नहीं आएगा उसमें भी स्टेमिना। क्या है ये क्यों है, कैसे है? ये नवीन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नया, मैंने अभी 2 4 दिन पहले वीडियो बनाया था कि आपको आदत पड़ जाती है, एक चीज की आदत पड़ गई तो नया स्टिमुलस चाहिए, नए तरीके का स्टिमुलस जब देंगे तो आपको लगेगा वाह क्या मजा आ गया, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी पुराना हो जाएगा, फिर और वाह कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। ये कुछ नया करने के चक्करों में उल्टे सीधे चालू हो गए दुनिया में पॉन्स, समझ रहे हो? सो एक लिमिट में जाओ, वापस बैक टू पवेलियन जाओ, थोड़ा रिसाइकल बैक करो, डोंट वरी अबाउट इट, इट इज ओके, इट्स नॉट अ साइड इफेक्ट, बट देन एक लेवल के बाद और क्या नया लाओगे, कहां से लाओगे? अरे भगवान, जीबी सिंड्रोम, गुलेन बारी सिंड्रोम, ये जीबी सिंड्रोम का फुल फॉर्म लिखो, गुलेन 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 बारी सिंड्रोम, कौन सा वाला सिंड्रोम? जीबी सिंड्रोम। ड्राई कफ कैसे दूर करें? ड्राई कफ के लिए मेरा वीडियो है कफ बाय डॉक्टर एजुकेशन, देखिए 10 मिनट कफ में बात नहीं कर पाएंगे, पूरा वीडियो बनाया है जाके देखिए, कफ बाय डॉक्टर एजुकेशन। डायबिटिक फॉर 10 ईयर्स, कैन आई गेट इन टू बॉडी बिल्डिंग? यू शुड गेट इन टू बॉडी बिल्डिंग, यू शुड। वट इज क्रोनिक फटिक सिंड्रोम? जब फटिक का, कमजोरी का कोई कारण नहीं पता चलता, उसको क्रोनिक फटिक सिंड्रोम बोल देते हैं, पर कारण होता जरूर है, ये बात और है कि ढूंढ नहीं पा रहा है कोई। अरे यार फोन वा आ रिया है। एनीवेज सर प्लीज हेल्प मी, बताएं दर क्या बताएं? मेरी माता जी के घुटने में दर्द कर रहा है, उम्र 35 है, क्या बहुत जगह दिखा लिया है, कम नहीं हो रहा है घुटनों में दर्द? माता जी को ज़्यादातर ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस वाला मेरा वीडियो देखिए, कारण समझेंगे, आर्थराइटिस बाय डॉक्टर एजुकेशन। और आया हमारा पहला पेड सवाल, सर एनी इफेक्टिव अल्टरनेट फॉर हिमालय स्ट्रेस केयर? व्हाट हिमालय स्ट्रेस केयर? क्या ये कोई टैबलेट निकाली उन्होंने? तो कुछ भी निकाल लेते हैं, स्ट्रेस केयर, लिवर केयर, बॉडी केयर, चश्मा केयर, दाढ़ी केयर, कुछ भी निकालते हैं, कुछ भी बोलते हैं। क्या ये स्ट्रेस केयर? स्ट्रेस केयर अपन कुछ पता नहीं इधर बारे देखना पड़ना। प्रॉब्लम ऑफ पस इन सीमेन, पस इन सीमेन इज इन्फेक्शन, एसटीडी हो सकती है, सीमेन एनालिसिस और एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। डायबिटीज में वेट लॉस में टाइम लगेगा क्या? नो टाइम नहीं लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, डायबिटीज में नॉलेज लगेगा, जितना अच्छे से नॉलेज है, जितना अच्छे से कैलकुलेशन करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉपरली वेट लॉस कर पाओगे। और टाइम इसलिए लग सकता है क्योंकि आपको सेफ खेलना पड़ेगा, आप ज़्यादा कैलरीज कम नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग फॉर यू। ज़्यादा कैलरीज कम करोगे शुगर ज़्यादा लो हो जाएगी, बेवकूफ़पंती मत करना, राइट। मैस्ट्रोबेशन की वजह से क्रोनिक फटिक सिंड्रोम हट, हे भगवान सब करवा दो तुम मैस्ट्रोबेशन से, मैं मैस्ट्रोबेशन की वजह से फेल हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और ये हो गया और वो, लाइट चलेगी मैस्ट्रोबेशन, फेस ही काम नहीं कर रहा मैस्ट्रोबेशन की वजह से हो रहा, ये कुर्सी में पैर टूट गया मैस्ट्रोबेशन की वजह से टूट गया है, कुछ भी। चौक खाने से, कैल्शियम खाने से स्टोन नहीं होता, कैल्शियम स्टॉक चौक खाने से भी स्टोन नहीं होता,
कैल्शियम के साथ ऑक्सैलेट होना चाहिए। देखिए नॉलेज आधी हो तो गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हैं? जैसे किसी किसी के बारे में अगर कोई बढ़िया सी चीज़ होती है, चलो चलो एग्जांपल थोड़ा अजीब हो गया कभी कोई एग्जांपल अजीब हो जाता है, मतलब छोड़ो जान दो सर। माउथ ऑलवेज ड्राई रहता है, डिहाइड्रेशन नंबर वन कारण ऑलवेज ड्राई रहने का। टेस्ट कोई करवाने की जरूरत नहीं है, पहले 1-2 लीटर पानी बढ़ा के देखो, लिक्विड बढ़ा के देखो, हो सकता है ठीक हो जाए। डैंड्रफ ऑन बॉडी एट सम प्लेसेस लिंक टू, अरे भाग गया वीडियो। अरे यार गरीब बेचारा अभी वो सोच रहा होगा मेरा सवाल आया और वो भाग गया। अरे यहाँ डैंड्रफ ऑन बॉडी सब प्लेसेस लिंक टू लो विटामिन डी एंड B12। देखिए लो विटामिन डी एंड B12 आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी कम करेगा, तो डैंड्रफ भी सही तरीके से ठीक कैसे होगा? इम्यूनिटी कम करेगा तो डैंड्रफ कैसे ठीक होगा? ब्रो साइंस के ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। कैन आई रिमूव स्पेक्टिकल्स नेचुरली? एट 0.5 तक के निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं निकल सकता। हाउ टू रिड्यूस यूरिक एसिड? यूरिक एसिड वाला वीडियो देखिए मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपका मुस्टैच देखकर अनिल कपूर याद आ गए। अनिल कपूर, दाढ़ी ना देखा हमरे? अनिल कपूर, अनिल कपूर, वेल गुड वन, नो बैड, उतने बाल भी है मेरे। एनीवेज, वेट गेन के लिए मास गेनर लेना सही है या नहीं? ले सकते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। वेट गेन करना है तो मास गेनर भी ले सकते हो। एंटी डिप्रेशन इंक्रीजेस चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट? नो, डिप्रेशन इंक्रीजेस चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, नॉट एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन के और दूसरे नुकसान जरूर है। वट कैन आई डू इन यूवीआईटिस? यूवीआईटिस के लिए आप जाके एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। आई टेस्टेड माई टेस्टोस्टेरोन लेवल, इट वॉज बिलो 200, बट यूरोलॉजिस्ट सेड आई एम फिट। आई डोंट फील फिट। यू आर फिट फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मीनिंग दैट यू डोंट नीड मेडिकेशन, राइट? यूरोलॉजिस्ट सेज दैट यू आर नॉट फिट हियर, यू नीड टू गेट फिट हियर। वेन यू सी योर सेल्फ इन अ मिरर एंड सी दैट यू आर फिट, देन यू आर फिट, राइट? You are not fit here. Why? Because you have to exercise. You have to exercise, eat a good high protein diet, exercise, rest, sleep properly, feel good about your body. After a month, अच्छी exercise के बाद आपकी muscle बनने लगती है, आपको अच्छा लगता है, तब you are fit, not before. चलो भाई लोगों, बहुत देर हो गए, चलते हैं और फिर आते हैं। बहुत सारे ठवाल, बहुत सारे टॉपिक, हे भगवान, खत्म ही नहीं होता। यहाँ तो मैं पूरा दिन बैठ सकता, बट काम भी करना है। आई एम गेटिंग कॉल्स अगेन अगेन अगेन। लो बीपी के लिए थायराइड चेक कराओ, थायराइड फंक्शन, एंड इंक्रीज योर चाय कॉफी एंड सॉल्ट इनटेक। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सर। सेक्स नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन? नो, यू कैन डू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑल्सो। ओके, बाय बाय। चांसेस ऑफ रिजॉल्विंग इनवाइनल हर्निया विदाउट सर्जरी? 0। शर्ट फटा है, बिना सीए सिल सकते हो? रफू, बिना सीए कर सकते हो? कुछ नहीं हो पाएगा, फटे शर्ट पे सीना ही पड़ेगा। सर माय फादर एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, वी हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ कंट्रोल, नो यूज एनी मेडिकेशन टू हेल्प। सी इन दिस अगेन अ साइकोलॉजिस्ट नीड टू इवैल्यूएट द सोल रीजन ऑफ शॉर्ट टेम्परनेस। क्या रीजन है? क्या उनकी पर्सनैलिटी वैसी है? क्या उनको कोई स्ट्रेस है? क्या वो रात को सोते नहीं? तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेसर को निकाल देंगे तो ठीक होंगे। यहाँ दवाई नहीं आती ऐसी जनरलाइज दवा, ओके गुस्से की दवा है मेरे पास, खा लीजिए, ऐसा नहीं होता। कृपया गलत धारणाओं से बचें और आज हमें चलने दीजिए। थैंक यू, ओके, बाय बाय। और हाँ, जिनको हमसे बाकी का कुछ सवाल पूछना है, पेड सवाल पूछना है, उनके लिए नंबर है नीचे लिंक में दिया गया है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, 7827570775 पे व्हाट्सएप करें और वेट करें। ओके, रुको सर, नहीं भाई, बहुत टाइम हो गया, जाना पड़ेगा, फोन आ रहा है।